है, भाई नहीं कर सकता। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो अभी अभी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे आए थे। सर, क्या बात हुई सरकार से आप लोगों की? अभी सर से बात हुई है कि जो दिक्कत आप किसान लोगों की है वो पूरी की जाएगी और किसी तरह की परेशानी नहीं दी जाएगी। और बाकी हमसे ये कहना है कि यूरिया और डाया जो है वो उसका महंगा बहुत हो गया है और कम सस्ता होना चाहिए, 200 रुपये इकट्ठा होना चाहिए यूरिया का। बात बताइए, क्या क्या बात हुई आप लोगों की सरकार से? सरकार से हुई हम जे इस कृषि बिल से किसान यहाँ के उत्तराखंड से हम आए हुए हैं, ये बहुत कानून हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, सही हमारे लिए, सारे किसान हमारे उत्तराखंड के खुश हैं। सर, एक बात बताएं कि आप लोग सरकार ने जो कुछ भी आश्वासन दिया उससे आश्वस्त हैं? मैं सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूं, मेरा नाम गुरदीप सिंह चौहान है। हम लोग आए, माननीय मंत्री जी ने समय दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो यहाँ किसान धरने पर बैठे हैं वो भी हमारे परिवार से हैं, हम भी किसान हैं। किसान जो है देश का अन्नदाता है, अगर किसान जिंदा है तो देश जिंदा है, अगर किसान नहीं है तो देश जिंदा नहीं है। हम लोगों की एक माननीय मंत्री जी को एक सुझाव है, आपके द्वारा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि माननीय मुख्यमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन तक हमारी बात पहुँचे कि जो जो किसानों की जो मेन समस्या है, जो कह रहे कि MSP उसको लिखित में दिया जाए। दूसरी समस्या ये है जो जिन्होंने कहा है कि किसान जो है SDM से और कमिश्नर से ऊपर कहीं अपील नहीं कर सकता, इसको आज़ाद किया जाए कि वो कोर्ट में भी जा सके, कोर्ट में जा सकेगा। अगर कोर्ट नहीं है तो कोई कार्य आज तक जिंदा रह ही नहीं सकता। अगर न्यायालय ना होगा तो कोई भी आदमी किसी आदमी को कुछ नहीं समझेगा। तो हमारा तो यही माननीय कृषि मंत्री जी से भी निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि किसानों की जो समस्या है MSP उसे तुरंत लागू किया जाए, लिखित में लागू किया जाए। दूसरी समस्या है जो ये आज़ादी उनको दी जाए कि वो कोर्ट में भी जा सके। मंत्री जी ने बोला कि हम इन सभी पे बात कर रहे हैं, आप लोग वापस ले लीजिए आंदोलन। हाँ, मंत्री जी ने कहा, आश्वासन दिया है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारा भी सब इनसे निवेदन है, मंत्री से, हमारे किसान भाइयों से बातचीत करके इसको सम्मानजनक उनको उनके परिवारों में भेजा जाए, क्योंकि इतनी सर्दी में एक महीने से बैठे हुए हैं तो उनको सम्मानजनक घर पे भेजा जाए, क्योंकि किसान हमारे हैं। निश्चित रूप से किसानों की भी अपनी मांगे हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द, चूंकि सर्दी का समय है इसलिए इनको भेजा जाए। और भी कई सारे किसान संगठन है, किसान से जुड़े हुए। अब क्या बात हुई आप लोगों की सरकार की बात से आप लोग? हाँ, वो जी पंजाब वालों की बात हो रही है, वही बात होनी चाहिए, उनका कभी उनको मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो ठंड में बैठे है, कोई बुढ़ा आदमी है, बच्चे है, माता है, बहने हैं, उनका हक उनका मिलना चाहिए सब। ठीक है। हाँ जी। सर, आप लोग स्वस्थ हैं पूरे मामले से सरकार से? तो कई सारे किसान संगठन ऐसे हैं जो सरकार की कुछ बातों से आश्वस्त हैं और इसलिए उनका कहना है कि हम वापस लेते हैं, लेकिन इन संगठनों की संख्या बहुत कम है। मैं बताऊं, उत्तराखंड के ये किसान है जो बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा, वो अभी भी धरने पर डटा हुआ है, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।